तक के रास्ते बंगाल पहुंचे। झारखंड के बोकारो में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद योगी का काफिला सड़क के रास्ते पुरुलिया के लिए निकला। योगी को सड़क के रास्ते करीब आधे घंटे का वक्त लगा। पुरुलिया पहुंचकर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक। योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तरीके से हमला बोला। अब आपको बंगाल संकट का पूरा अपडेट दिखाते हैं, जहां कोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने धरने से सियासी माहौल को गर्म कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझा दिया है। ममता जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर धरने पर बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सहयोग करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही सीबीआई को हिदायत दी कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने फिर दलील दी कि कोर्ट की अवमानना का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसा है तो डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव के खिलाफ केस क्यों नहीं चले। सीबीआई की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया। सीबीआई ने अपने अफसरों को बंधक बनाने की शिकायत भी कोर्ट में की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सीबीआई की पूछताछ कोलकाता में नहीं बल्कि शिलांग में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपियर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपियर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। पॉइंट देखिए आज क्लियर है, एक पॉइंट है उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर टू, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर थ्री, म्यूचुअल प्रेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मानते ही पास लेकर गया, म्यूचुअल पास प्रेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है, और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सबकी अपनी ढपली अपना राज है, हर कोई अपने हिसाब से इसे अपनी जीत बता रहा है। ये सारा बवाल सियासी जमीन को बचाने की कवायद है। ममता के इस डर के पीछे वजह भी सियासी है। कहा जा रहा है कि ममता बीजेपी के मिशन बंगाल से डरी हुई है, जिस पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल पर धावा बोला है। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल पर धावा बोला है, वो ममता दीदी को परेशान कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे, वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी। दरअसल बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने 2019 में 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2014 में बीजेपी को लोकसभा की मात्र 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 16.8% था। फरवरी 2018 में 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ठाकुर नगर और आसनसोल में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। ठाकुर नगर में मोदी की रैली में भीड़ भी जबरदस्त दिखी थी। यहां की 5 सीटों पर मथुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में है।
पश्चिम बंगाल में जारी उठापटक अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये मामला दूर तलक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रस्सा कशी जोरदार तरीके से चल रही है और नजर है 42 सीटों पर और इन्हीं 42 सीटों के इर्द गिर्द ये लड़ाई चल रही है। इससे पहले आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया और सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि आखिरकार राजीव कुमार को पूछताछ से दिक्कत क्या है। पूरे मामले पर अब सुनवाई 20 फरवरी को होगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजीव कुमार को सीबीआई के अधिकारियों से मिलना होगा, उनके सामने पेश होना पड़ेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी। हालांकि इस फैसले के आने के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी को पता चल गया कि उनके दावे कितने झूठे थे। ममता बनर्जी ने अपनी नैतिक जीत बताई और कहा कि राजीव कुमार ने कभी पेशी से मना नहीं किया था, लेकिन अब जो वास्तु स्थिति है वो यह है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे। शिलांग में जो सीबीआई का दफ्तर है वहां पर वो पहुंचेंगे, वहां पर सीबीआई के सामने उन्हें पेश होना होगा और यह साफ हो गई है तस्वीर कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश को ममता बनर्जी ने संविधान और अपनी जीत करा दिया है, वहीं भाजपा ने और सरकार ने इसे सीबीआई की जीत बताया। तो ये बड़ी खबर और आज अपडेट, लेकिन अभी भी धरना चल रहा है ममता बनर्जी का, वहां पर चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए हैं, विपक्ष के कुछ और नेता वहां पर पहुंच सकते हैं, ये तस्वीर और स्थिति वहां से है। और साथ ही दूसरी ओर पुरुलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली भी चल रही है, सड़क के रास्ते वहां पर पहुंचे हैं और जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं। साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि आज क्या कुछ हुआ है, आज का दिन कितना अहम रहा, क्योंकि आज ही सुबह 10:30 बजे यह तय होना था कि आखिरकार पूरे ये जो विवाद है वो किस दिशा की ओर जाएगा, कैसे इसका पटाक्षेप होगा। और वो तस्वीर साफ हो गई कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, ये भी कह दिया कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करेगी, पूछताछ करेगी और सबूतों को लेकर जो भी उसके पास सवाल है उन सवालों को राजीव कुमार के सामने रखा जाएगा। ममता बनर्जी के धरना स्थल पर इस वक्त तेजस्वी पहुंचे हुए हैं, सीधे सुनते हैं कुछ बोल रहे हैं। घोषणा बढ़ाने के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के उनको मजबूती देने के लिए यहाँ उपस्थित है, इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग जानते हैं कि देश में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको सत्ता मिली नरेंद्र मोदी जी एनडीए के लोग, वो सब लोग जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 4 साल 5 साल हो गए, चुनाव का वक्त आ गया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया। जितने वादे थे उन्होंने पूरा नहीं किया। याद कीजिए, वो लोग कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम किया है। और जिस प्रकार से देश में, मैं कहता हूं, अघोषित इमरजेंसी हो चुका है, आज किसी को सच बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को, आप देख लीजिए, चाहे ममता जी हो, अगर वो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, हमारे पिता लालू जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। तेजस्वी को आप सुन रहे थे, ममता बनर्जी के मंच वो जगह न्यूट्रल होगी, यानी शिलांग में ये मुलाकात होगी। शिलांग में सीबीआई दफ्तर में पहुंचेंगे राजीव कुमार और वहां पर उनसे सवाल जवाब होगा। लेकिन इस बीच जो सियासत है वो चल रही है, धरना इस वक्त चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले आप तेजस्वी को सुन रहे थे, चंद्रबाबू नायडू को भी आपने मंच पर देखा था। श्रेया हमारी सहयोगी सीधे वहां से जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। श्रेया, कोर्ट से जो होना था वो तो हो चुका और शायद यही होना भी था, लेकिन असल जो मकसद है वो मंच पर दिखाई दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू को हमने देखा, तेजस्वी को हमने बोला बोलते हुए सुना है, कोलकाता की जो ब्रिगेड रैली थी उसका पार्ट टू ये यहां पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोलकाता में जो हम लोगों ने ब्रिगेड रैली देखी थी वो महागठबंधन की जो बात हुई थी उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि एक पार्ट टू चल रहा है ब्रिगेड में, तो जो अभी धरना मंच हो रही है, तो इधर कहीं ना कहीं वो एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है। और अभी तेजस्वी यादव ने बोला और उसके पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी बात की, कल हम लोगों ने कानीमोल जी को भी देखा था इधर आने में, तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन का जो सेंस वो कहीं ना कहीं बंगाल में फिर से देखने को मिल रहा है। अभी कुछ और नेता वहां पहुंचने वाले हैं क्या? समाज
संप्रदाय संप्रदाय नहीं, अभी फिलहाल और कोई नेताओं को पहुंचने का कोई ऐसे ये नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तीनों मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद ये हमें बताएंगे कि धरने का जो फ्यूचर डिस्कोर्स है, धरना चलना है या फिर आज ही धरने का अंत होगा, इसके बारे में वो ये मीटिंग करने के बाद आके घोषणा करेंगी। बिल्कुल, अब तो सवाल यही था, सुबह भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया श्रेया, तो उसके बाद यही सवाल था कि आखिरकार धरना आगे जारी रहेगा खत्म रहेगा। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करेंगी, जो दूसरे नेता है उनसे बातचीत करेंगी, उसके बाद वो फैसला करेंगी कि आगे क्या करना है। शायद यही मीटिंग में चर्चा भी चल रही होगी कि आखिरकार अब आगे इस धरने को कैसे खत्म करना है, क्योंकि यहां पर भी तो जीत दिखानी होगी पूरी तरीके से कि ममता बनर्जी की जीत हुई है, ये दिखाते हुए धरना उन्हें आगे खत्म करना होगा अगर ये फैसला होता है तो। देखिए, पहले से वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी नैतिक जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही कहा कि ये उनकी नैतिक जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और नैतिक जीत कह के बजाय रख के शायद इस मीटिंग के बाद वो इस धरने का खात्मा भी हम लोग को बताए। लेकिन अभी तक मीटिंग चल रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं मीटिंग अंदर चल रही है, वो बाकी ऑपोजिशन के जो लीडर्स उनके साथ उनसे बातचीत हुई थी, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सबसे वो फोन बातचीत करके फिर ये डिसीजन लेंगे, ये निर्णय पे आएंगे कि ये धरना चलना है या फिर ये धरने का आज ही आखिरी दिन है। लेकिन श्रेया, वहां पर आपको माहौल कैसा लगा? आप वहां पर चुकी पल पल की अपडेट्स आप ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या कुछ कहना था इस पर? देखिए, दीदी की पॉपुलैरिटी जो बंगाल में है उसके बारे में नया ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में, तो लोग तो बहुत ही मात्रा में जुड़े थे पहले दिन से। क्या जिस रात से ममता बनर्जी ने धरने पर बैठी थी तब से लोग भारी मात्रा में जुड़े थे, और अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं लोग अभी भी भारी मात्रा में मौजूद है, तो माहौल 3 दिन से वैसा ही है। लेकिन अभी जो निर्णय लेना जरूरी है कि धरना चलना है या नहीं, क्योंकि नैतिक जीत तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है धरने में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए श्रेया, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रेया बता रही थी वहां पर स्थितियां क्या है, एक बैठक अंदर चल रही है, और इस बैठक के बाद शायद ये तस्वीर साफ हो कि धरना खत्म होगा नहीं होगा, खत्म होगा तो कैसे होगा, क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर होंगी, इस बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। अब सवाल यह है कि आखिरकार ममता बनर्जी का धरना कब खत्म होगा, यह सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि एक अधिकारी को लेकर इतना बवाल मचा है, जबकि वो अधिकारी जिस बड़े घोटाले की जांच कर रहा था और सीबीआई जिस घोटाले के बारे में उससे पूछताछ करने पहुंची थी, उस घोटाले की बात कहीं नहीं हो रही। जाहिर है, जब घोटाला ही सियासत से गायब है तब उन लोगों को कौन पूछेगा जिनके साथ धोखाधड़ी हुई। और सवाल उठा है, आखिर ममता बनर्जी उन 16 लाख लोगों के लिए धरने पर कब बैठेंगी जिनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली गई। ये सिसकियां, ये आंसू और ये दर्द ज्यादा पुराने नहीं है। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को यूलुटते देख इन्होंने शोर भी मचाया, हंगामा भी किया, लेकिन गरीब आदमी क्या करता, उसकी तड़पन को अक्सर सब्र का नाम दे दिया जाता है। ये शारदा घोटाले के पीड़ित हैं। मेहनत की कमाई को कुछ महीनों में कई गुना करने का जो सपना इन्होंने देखा था और इन्हें दिखाया गया था, उसमें कुछ की जिंदगी की सारी कमाई लुट गई, कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गए और कुछ के पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कहाँ थी ममता? ममता ने धरना क्यों नहीं दिया? शारदा घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? माँ, माटी, मनुष्य की एकाधिकार वाली नेता खामोश क्यों रही? जब शारदा घोटाले का खुलासा हुआ तब से अब तक दीदी ने क्या किया? बमुश्किल से एक दो जगह ममता ने घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ का वादा किया, लेकिन असर कितना हुआ वो मायूस चेहरों से साफ झलकता है। करीब 30,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला करीब 15 से 16 लाख लोगों की मेहनत की कमाई है। करीब 2013 के अंदर इसका खुलासा हुआ था और 6 साल बीतने को आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी इन लोगों की सुन नहीं ली। कभी ममता बनर्जी ने इनको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई, या फिर ममता बनर्जी ने लोगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोलकाता में हुए सियासी हंगामे की हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे संवैधानिक संकट कह रही है और टीएमसी इसे इमरजेंसी जैसा बता रही है, लेकिन इन सबके बीच वो कहाँ है
जिनके लिए ये जंग होनी चाहिए थी। ये मायूस से चेहरे, माथे पर उदासी की लकीरें और बंद मुट्ठी में खाली किस्मत का ख्वाब, ये वही लोग हैं जिनके अरमानों को सपनों का इस्तेमाल करके लूटा गया। बड़े बड़े सितारों के साथ तस्वीर खिंचाकर इन्हें अमीर बनाने का सपना संजोया गया। 6 साल हो गए, जब जब शारदा घोटाले का जिक्र होता है तो दर्द जो दबा हुआ था वो इसी तरह फूट पड़ता है। और अब जब हुक्मरान ही कोहराम के कारकुन बन गए हों तो भरोसा उठना लाजमी है। ममता के सत्ता में आने से शारदा घोटाले के पीड़ितों को ये उम्मीद जरूर बंधी थी कि ममता बंगाल के मानुष को इंसाफ दिलाकर रहेंगी, चाहे उसके लिए धरना ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी धरना किसके लिए दे रही हैं? ये देख लीजिए। राजीव कुमार उस एसआईटी के चीफ हैं जो शारदा घोटाले की जांच कर रही है। रोजवेल और शारदा चिटफंड मिलकर करीब 30,000 करोड़ का घोटाला है। 2.5 लाख एजेंट के जरिए करीब 16 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, लेकिन ममता बनर्जी की खामोशी गुनहगारों के लिए बचाव का काम करती रही। काश की जो तेवर ममता ने अपने कमिश्नर को बचाने के लिए दिखाए वो तेवर एक बार भी शारदा पीड़ितों को इंसाफ के लिए दिखाए होते तो उनको ये एहसास तो जरूर होता, दीदी माँ माटी और मनुष्य के लिए सियासत करती हैं। लेकिन अफसोस है कि बंगाल की माटी में बंगाल के लोगों की माँ की तरह दिखने वाली ममता अपने ही मानुषों का दर्द समझने में चूक गयी, या फिर जानबूझकर सत्ता के फेर में फंस गयी। सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार लगातार चिटफंड मामले के दस्तावेज गायब कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ऐसा है या फिर ममता बनर्जी की नज़र में राजीव कुमार इतने बेहतरीन अफसर हैं, तो फिर वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में अड़ंगा क्यों डाल रही है। इससे होगा एक चीज, या तो ममता बनर्जी की छवि बेहद हो जाएगी, या फिर वो इस मामले के अंदर पूरी तरीके से उनकी छवि धुल जाएगी, या फिर वो इसकी संवेदना या फिर इस राजनीतिक संवेदना का फायदा उठा के एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के इस खींचतान का अंत कब होगा इसका पता नहीं, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया है कि शारदा पीड़ित घोटाले को इंसाफ मिलना अभी दूर की बात है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही सियासी खेल में